हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। भविष्य के टीचर जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं उन सभी का स्वागत है। और जैसा कि मालूम है कि बिहार बीपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है सिलेबस को लेकर के, जिसमें देखा गया है कि सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वो 1 to 5 या 6 to 8 या फिर 9 to 10 के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं। तो एक सरकारी शिक्षक बनने के लिए आप हमारे चैनल के साथ अवश्य जुड़ सकते हैं बिना टाइम किल किए हुए, क्योंकि समय अब बिल्कुल रहा नहीं और लगातार हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन हम सामान्य विज्ञान और विज्ञान से संबंधित देखते चलते हैं। पहला प्रश्न है, आज ये वीडियो का 6ठा नंबर सेट होगा, एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? याद रखिएगा, बाकी के 5 ही सभी सेट जो होंगे हमारे इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में उपस्थित है, तो आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। एवोगाड्रो संख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? बस 0.633 सब में दिखाई दे रहा है, 0.23, लेकिन जिस पर पावर 23 होगा वही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से पहला नंबर क्वेश्चन आपके पास कंप्लीट हो गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? याद रखिएगा, जैसा कि बिहार बीपीएससी ने अपना जो सूचना प्रदान किया है उसमें यह कहा गया है कि ठीक है हम आपकी किताब से बेसिस से क्वेश्चंस पूछेंगे, ये अलग बात है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, हम आपकी जो डॉक्यूमेंट्स अर्हताएं हैं जिस पर आपने न्यूनतम क्वालिफिकेशंस आपने डाला है उस लेवल तक हम आने की कोशिश करेंगे, मतलब उसको सिमिलरिटी रखते हुए और उसके थोड़ी सी निचले क्लास तक के क्वेश्चंस पूछे जाएगा। ये मत सोच लीजिएगा कि हमें को किताब उठाकर उसी में से क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये कंपटीशन है, अतः कंपटीशंस के लिए फाइट करना होगा, उसी को ध्यान में रख करके हम इन प्रश्नों को बनाए हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है दोस्तों, यहां पर दिए गए ऑप्शन में पारसेक। याद रखेंगे प्रकाश वर्ष भी दूरी मापने की इकाई है, लेकिन सबसे बड़ी इकाई पूछ रहा है तो पारसेक हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होते हैं? तो याद रखिए, देख लीजिए, यहां पर कहीं पर आपको 12 मीटर दिखाई दे रहे हैं, 10 के पावर 12 नहीं दिखाई दे रहा है, 15 दिखाई दे रहा है। याद रखिएगा, जब 15 दिखाई देगा और 9.46 दिखाई देगा तो आपका आंसर होगा, यदि 12 होगा तो किलोमीटर लिखा गया होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इसका फिर से आंसर सही हो जाएगा। 9.46 × 10 के पावर 15 मीटर जो होती है वह एक प्रकाश वर्ष का मान होता है। अगर किलोमीटर में दिया रहता तो यह 15 के स्थान पर 12 रहता और मीटर के स्थान पर किलोमीटर कर दिया गया होता। समझते चलिएगा, आगे क्वेश्चन है, 1 लीटर कितने गैलन के बराबर होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 लीटर कितने गैलन के बराबर होता है? सही आंसर आपके पास चौथे नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0.2642। याद रखें 26 24, याद रखेंगे 26 24, याद रखना है कि 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है, तो 0.2624 जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 फर्मी कितना मीटर होता है? फर्मी जो होता है वह दूरी मापने की एक प्रकार की इकाई है, तो वहीं पे पूछा जा रहा है कि 1 फर्मी में कितना मीटर होगा, तो 5वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 के पावर -15 मीटर जो होगा 1 फर्मी मीटर में होता है, यानी 1 फर्मी मीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 10 के पावर 15 अर्थात 1/10 का पावर कितना 15 हो जाएगा, 1 का 10 के पावर 15 को हम लोग 1 फर्मी मीटर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉगरिथम के आविष्कारक कौन है? लॉगरिथम के आविष्कारक कौन है? 6ठे नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जॉन नेपियर। लॉगरिथम के आविष्कारक के नाम जो है वह है जॉन नेपियर। आगे बढ़ते चलते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? निम्नलिखित में से वो कौन व्यक्ति हैं जो क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं? सही आंसर है मैक्स प्लांक। याद रखेंगे, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम है मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक जो है वो क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। बढ़ते चलते हैं आज के 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ, प्रश्न आप लिए इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को बिना स्किप किए हुए प्लीज शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिए, एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है, वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? 8वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर। वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाले यंत्र को हम लोग हाइग्रोमीटर के नाम से जानते हैं। ध्यान से देखते चलिएगा, वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाले यंत्र को हाइग्रोमीटर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 एंगस्ट्रम मात्रक होता है, यानी 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है, या 1 एंगस्ट्रम जो मात्रक है वह कितने के बराबर होता है? तो 9वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 के पावर -10 मीटर। याद रखेंगे, 10 के पावर -10 मीटर को 1 एंगस्ट्रम के बराबर माना जाता है। प्रश्न है आपके सामने की, प्रश्न कहता है पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग किस पर निर्भर करता है? पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग किस पर निर्भर करेगा? बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं, कक्षा की त्रिज्या पर। पृथ्वी की उपग्रह का कक्षीय वेग किस पर निर्भर करेगा? तो कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखेंगे, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा कौन सी होती है? तो घड़ी की जो चाबी होती है दोस्तों, पहले जो बहुत सारे घड़ियां अभी भी हैं जिसमें बैटरी नहीं बल्कि चाबी को ऐसे मोड़ना पड़ता है, और वही चाबी जो है बाद में चल करके स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में प्रदान कर देती है। तो घड़ी की जो चाबी होती है उसमें होता है स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड का संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगा। तो इससे 1/2 mv² से हम लोग इसका प्रयोग करके निकालेंगे। तो भी का क्या कह रहा है, बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है, तो गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी। इसका सही आंसर होगा 125 गुना प्रतिशत बढ़ जाएगा, यानी कि 125 गुने बढ़ जाएंगे। अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है, निम्नलिखित दिए गए ऑप्शन में से किसमें जो है अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है। 13वें का सही आंसर है, देख लीजिएगा, ठोस है, द्रव है, गैस है, तो तरंग उत्पन्न करने के लिए 13 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी सॉरी ए सही हो जाएगा। सभी माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न की जा सकती है, वहीं अनुप्रस्थ तरंग के लिए प्रकाश की उपस्थिति होनी चाहिए, यानी कि प्रकाश में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होता है। किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं की जा सकती है, यहां पर कहा है कि वह कौन सी माध्यम है जिसमें अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं की जा सकती है। वह हवा में नहीं की जा सकती अनुप्रस्थ तरंग को उत्पन्न। आगे बढ़ते चलते हैं, प्रतिबल और विकृति का अनुपात निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। प्रतिबल और विकृति का अनुपात निम्नलिखित में से क्या कहलाएगा, 15 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है। प्रतिबल और विकृति का अनुपात जो होता है दोस्तों, वह प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि पनडुब्बी आधारित है, पनडुब्बी किस पर आधारित है, न्यूटन के प्रथम गति नियम पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, पास्कल के नियम पर, या ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। सही आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। आर्किमिडीज का सिद्धांत दोस्तों कहता है, एक ये यूनान का व्यक्ति था जिसने इसके बारे में बताया था कि यदि कोई वस्तु आंशिक रूप से या पूर्णतः रूप से अगर हवा में या पानी में डूबा रहे तो उसके द्वारा हटाए गए कुल द्रव्यमान या गैस का मान उसके कुल द्रव्यमान के लगभग कुल भार के बराबर होता है, इसलिए वह हल्की प्रतीत होती है। यह आर्किमिडीज का सिद्धांत है, यही है पनडुब्बी, इसी पर आधारित रहती है। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न कहता है समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि, समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि, देखिएगा समुद्र में आप बहुत आसानी से तैर पाएंगे लेकिन वहीं नदी में तैरना थोड़ी सी मुश्किल होती है। समुद्र गहरा होता है, समुद्र काफ़ी दूर तक फैला रहता है, समुद्र में ज्वार भाटा आता है, या समुद्र में पानी का घनत्व नदी के पानी से थोड़ा सा जो होता है वो अधिक होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जहां मुझे लगता है 17 का ऑप्शन नंबर डी है, समुद्र के पानी का घनत्व नदी की तुलना में अधिक होते, यही कारण है कि समुद्र में आदमी आसानी से तैर लेता है। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, तरंग अपश्रव्य कही जाती है जब उसकी आवृत्ति हो, तरंग अपश्रव्य कही जाती है जब उसकी आवृत्ति निम्नलिखित में से क्या हो। सही आंसर है 18वें का ऑप्शन नंबर डी, 20 हर्ट्ज से कम हो। तरंग अपश्रव्य कही जाती है जब उसकी आवृत्ति जो होती है वह क्या कहलाती है, 20 हर्ट्ज से कम। दोस्तों इस संबंध में आपसे मैं बात कर लूं कि जो ध्वनि तरंगे होती है वो होती अवश्रव्य, अवश्रव्य मतलब 20 के नीचे, पराश्रव्य माने 20,000 के ऊपर, और उसके बाद जो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है ना, उस समय उसको हम लोग क्या कहते हैं, अश्रव्य ध्वनि, नहीं श्रव्य ध्वनि कहते हैं, श्रव्यता सीमा भी कहते हैं उसको, और उसको हम लोग सुन सकते हैं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी था। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा। प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही मजेदार प्रश्न है, बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम्स में मिलेंगे, थोड़ा सा समय आपको जरूर देना होगा। प्रश्न कहता है यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, वह भी आधा हो जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, डेली बाय डेली हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक से बढ़कर के एक GK GS के क्वेश्चंस हम उपस्थित कराते चलें ताकि आप आसानी पूर्वक इस एग्जाम को क्रैक कर सकें। ध्वनि तरंगे हैं, ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से क्या है, अनुदैर्ज है, अनुप्रस्थ है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, या इनमें से कोई नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ध्वनि की जो तरंग होती है वह अनुदैर्ज तरंग होती है, वही प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होती है। बार बार इसको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो f = r/2 अर्थात आधी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक उल्टा, काल्पनिक सीधा, या काल्पनिक उल्टा। सही आंसर है 22वें का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि काल्पनिक होता है और उसके बाद सीधा होता है। उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब जो होंगे, दर्पण कहा जा रहा है लेंस नहीं, काल्पनिक और क्या होता है, सीधा। कभी भी याद रखिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनती है जबकि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनती है। प्रकाश तरंग उदाहरण है, प्रकाश तरंग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो प्रकाश तरंग ये कई बार BPSC में क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। पहला तो विद्युत चुंबकीय तरंग है, दूसरी बात अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश तरंग कैसा उदाहरण है, विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि फोटोग्राफिक कैमरा का विदृश्यक लेंस होता है, फोटोग्राफिक कैमरे का विदृश्यक लेंस किसका बना होता है। सही आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस का बना होता है। जैसा कि हमारे नेत्र में भी उत्तल लेंस लगा रहता है, फोटोग्राफिक कैमरा के विदृश्यक में भी उत्तल लेंस लगा रहता है। अगला क्वेश्चन है E = mc² का प्रतिपादक कौन है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। प्रश्न है कि E = mc² का प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन सा है। सही आंसर है आइंस्टीन है। देखते रहेंगे 25 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर था कि E = mc²
स्क्वायर के प्रतिपादक आइंस्टीन होंगे। अगला प्रश्न है कि थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है, थोरियम के नाभिक को किसमें बदला जा सकता है? 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लूटोनियम में। याद रखें थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है प्लूटोनियम में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए, फ्यूज का पदार्थ निम्नलिखित में से कैसा होना चाहिए? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फिर से देख लेते हैं। फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए उच्च प्रतिरोध वाला, निम्न गलनांक वाला, उच्च ये नम्यता वाला या उच्च गलनांक वाला? 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निम्न गलनांक होना चाहिए। फ्यूज के पदार्थ का गलनांक जो होना चाहिए निम्न होना चाहिए, ताकि जैसे उस पर धारा का मान बढ़े वह गल जाए और परिपथ टूट जाए, और जितनी भी सामग्रियाँ आपके घरों में टेप रिकॉर्डर या फिर रेडियो टेलीविजन जो जुड़े हुए हैं आपके विद्युतीय परिपथ से, वे जलने से बच जाए। इस प्रकार से प्रश्न है कि फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए निम्न गलनांक वाला। 28वां प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न कहता है कि निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? जो विद्युत चुंबकीय तरंगें दी गई हैं, एक्स किरण और उसके बाद पराबैंगनी किरण, अवरक्त किरण, उसके 28वें का सही आंसर है अवरक्त किरण। निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है अवरक्त की, और सबसे किसकी कम होती है दोस्तों? वह होती है पराबैंगनी किरण की। अगला बढ़ते चलते हैं, ऊर्जा का क्षय कम होता है, वह कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें ऊर्जा का क्षय जो होता है वह बहुत ही कम होता है? ऊर्जा का क्षय कम होता है, प्रश्न कि ऊर्जा का क्षय किसमें कम होता है? 29 नंबर का प्रश्न का सही आंसर है ऊर्जा का क्षय दिष्ट धारा में बहुत ही कम होता है। हम जानते हैं कि विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, दिष्ट धारा और फिर क्या प्रत्यावर्ती धारा। तो ऊर्जा का क्षय सबसे कम किसमें होगा? तो याद रखेंगे ऊर्जा का क्षय सबसे कम दिष्ट धारा में होगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? 30वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय प्रेरण पर। ध्यान रखेंगे ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो वह है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। तो 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहां विद्युत चुंबकीय प्रेरण नहीं, चुंबकीय प्रेरण केवल होगा। 31 नंबर प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न कहता है कि घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़ा जाता है? यानी घरेलू प्रकाश में जो होती है वह लैंप किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो याद रखेंगे घरेलू परिपथ जितने भी होते हैं वे सभी समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, न कि श्रेणी क्रम में। देखिएगा श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम अंतर क्या होता है? जब एक ही बिंदु से सभी को ऐसे जोड़ा जाए तो ये समानांतर क्रम कहलाता है, और जब ऐसा ऐसा करके जोड़ा जाए इस तरीके से तो श्रेणी क्रम होता है। तो हमारे घरों में एक मीटर से कई ऐसे ऐसे तार ले जाकर हर युक्तियों को जोड़ी गई होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर कि ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होता है? प्रश्न है कि ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विकिरण। प्रश्न देख लीजिएगा, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? विकिरण के माध्यम से, सबसे तेज मात्रा में, और विकिरण के माध्यम से हमारे सूर्य से हमारे पृथ्वी पर प्रकाश हमको प्राप्त होती है, इसलिए ऊष्मा मिलती है। अगला प्रश्न है कि न्यूनतम संभावित तापमान कितना होता है? यानी कि सबसे न्यूनतम से नीचे कौन सा तापमान हो सकता है? माइनस में 273 डिग्री सेल्सियस के नीचे कोई तापमान नहीं होता, क्योंकि 273 डिग्री सेल्सियस को अगर बदलेंगे केल्विन में तो शून्य केल्विन आ जाता है। तो न्यूनतम संभावित तापमान कितना होता है? माइनस 273 केल्विन, 73 डिग्री सेल्सियस, आप याद रखेंगे। 34वां प्रश्न है कि यदि वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि क्या होती? अगर हमारे वायुमंडल नहीं होता तो दिन का समय, दिन की अवधि क्या होता? तो दिन इतना देर का नहीं होता, वह कम देर का होता, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। यदि वायुमंडल ना होती तो दिन की अवधि क्या हो जाती? तो दिन की अवधि कम हो जाती। 35 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? 35 नंबर प्रश्न आपके सामने है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग हमें दिखाई देता है? 35 का ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी, कोरोना। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग हमको दिखाई देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरोना जो होती है हमको दिखाई देता है। 36वां प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि? सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है कब, यदि? ध्यान रखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा 36 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, कांच से वायु में जाने पर सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है जब कांच से वायु में जाए। अर्थात देख लीजिएगा, आंतरिक परावर्तन करने के लिए कभी भी ना सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण को निकलनी चाहिए, यही कारण है कि कांच से वायु में जानी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर था। तो दोस्तों आज के इस सेशन में मैंने वीडियो नंबर 6 में महज 36 क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट पेश किया है, इसको देख लीजिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके अगर कोई भी कंटेंट छूट गया है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के बिहार सुपर टेट जीके वहां पर लिखा गया होगा, उसको आप जाकर के वहां से एक एक करके वीडियो को देख लीजिएगा। शुक्रिया, जय हिंद।